रानी किचन चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटे हुए बैंगन की भरता स्टाइल में। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन की सब्जी लहसुन प्याज की ग्रेवी के साथ। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बैंगन कटे हुए, दो मीडियम साइज के प्याज कटे हुए, 7-8 कली लहसुन की कुटी हुई, एक बड़ा साइज का टमाटर और 3-4 हरी मिर्च कटी हुई। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें चार चम्मच तेल डाला हमने और गैस को ऑन कर देंगे। अब हमारा ये तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। हमने इसमें 1/2 चम्मच के लगभग जीरा डाला है। अब हम इसमें जो हमारा लहसुन कुटा हुआ था वो डालेंगे। ये थोड़ा सा सुनहरा पक जाए तब तक हम इस पक हिलाते रहेंगे जिससे फंदे में नहीं चिपके। अब हम इसमें कटे हुए प्याज भी डाल देंगे। प्याज और लहसुन को भूनते समय इसमें हम 1/4 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। नमक इसलिए इससे प्याज जल्दी सुनहरे होते हैं। और स्वाद भी अच्छा आता है सुनहरे होने के साथ साथ। हमारे ये लहसुन और प्याज दोनों सुनहरे होके पक चुके हैं। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। सबसे पहले हल्दी हम 1/2 चम्मच लेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डाली। अब हम इसमें कटे हुए सारे बैंगन डाल देंगे और इसको तेल में ही पकाएंगे। पानी का इस्तेमाल हम इस सब्जी में नहीं करेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। 4 चम्मच हम इसमें धनिया डालेंगे, छोटी 4 चम्मच। एक चम्मच फुल भर के छोटा मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर। हमने इस सब्जी में पानी का यूज नहीं किया है। इन मसालों को पकने के लिए हमने जो टमाटर काट के रखा था वो इसमें डाल देंगे। जो टमाटर का पानी है वो इन मसालों को पकने में मदद करेगा। हमने टमाटर के साथ मिर्च, जो कटी हरी मिर्च थी वो भी इसमें डाल दी है। अब हम इस सब्जी को पकाने के लिए ढक्कन का इस्तेमाल करेंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको ढक देंगे।
गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं, तो चेक करेंगे। इसके लिए हम ढक्कन हटाते हैं पहले। इसे पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। जब हमारी सब्जी बनने लगेगी तो जो सब्जी में जो हमने तेल डाला था वो किनारों पे अपने आप आ जाएगा। और बैंगन को काट के देख लेंगे चम्मच से, कट रहा है इसका मतलब हमारी सब्जी बनने वाली है। अब हम इस सब्जी को थोड़ी देर खुले में ही पकाएंगे। अब हमारी सब्जी पक चुकी है। अब हम इसमें खटाई के रूप में अमचूर पाउडर डालेंगे। ये अमचूर पाउडर हम 2 चम्मच लेंगे। हमेशा अमचूर पाउडर या किसी भी प्रकार की खटाई, नींबू हो, अमचूर पाउडर हो, सब्जी को पकने के बाद में ही डालना चाहिए। हमारी ये सब्जी बनकर तैयार है बिल्कुल।